यार आइए आज एक ऐसा स्थान आपको दिखाते हैं जहां अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। मैं अपने कैमरे के साथ पहली बार यहां पहुंचा हूं और आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूं। सोनभद्र के ग्राम पंचायत भरहरी में स्थित जलप्रपात जो स्थानीय डंगवा पहाड़ में अवस्थित है, यह जलप्रपात खोंगा के नाम से जाना जाता है। मैं डॉक्टर ब्रजेश महादेव पहली बार इस स्थान का रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचा रहा हूं। यहां बहुत ही कम लोग, ज़्यादातर चरवाहे ही आ पाते हैं क्योंकि बहुत ही विकट स्थिति और बहुत ही जंगल में स्थित है यह स्थान। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली गायत्री नदी पर यह प्रपात स्थित है और यहां पे बरसात में बहुत ही रोमांचकारी दृश्य होता है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर, यह कुंड ऐसी मान्यता है कि यह बहुत ही गहरा कुंड है और इसमें 12 माचा की सूतली से इसको अंदाज लगाया गया है, फिर भी नहीं लगता है कि यह कितना गहरा है। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी रास्ते से यहाँ पर पहुँचा जाता है। और यहाँ की एक विशेषता और मैं बता दूँ, ये चट्टान जो आप देख रहे हैं ये चूने के पत्थर की चट्टान है और यहाँ इस पहाड़ में चूने के पत्थर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऊपर में जो चट्टानें दिख रही हैं वो भी चट्टानें चूने के पत्थर की ही हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पहाड़ के बीचों बीच झरना है, झरने के चारों तरफ चूने की पत्थर की चट्टानें हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है जब फाल गिरता है। अक्टूबर में भी झरने दिखाई देते हैं, क्योंकि स्थानीय नदी है इसलिए जल्दी से पानी इसका सूख जाता है, लेकिन पानी रुकता नहीं है, पानी गिरता रहता है छोटे मोटे रूप में, नदी अनवरत बहती रहती है। धन्यवाद।